हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा डाउट का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखते हैं। 100 ml ऑफ Na3PO4 सॉल्यूशन कंटेन्स 3.45 ग्राम ऑफ सोडियम। द मोलैरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज डैश मल्टीप्लाई 10^-2 मोल पर लीटर। नियरेस्ट टीचर में आंसर देना है। क्वेश्चन आया हुआ है जेई मेन 2021 में। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को, चलो देख लेते हैं। लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ फ्रेंड्स। तो हमें क्या, देखो वॉल्यूम दे रखा है सॉल्यूशन का 100 ml, वेट है सोडियम का 3.45 ग्राम, मोलैरिटी हमें बतानी है सॉल्यूशन की, और Na3PO4 सॉल्यूशन है। तो हम देख सकते हैं कि भाई 1 मोल Na3PO4 सॉल्यूशन में, 1 मोल Na3PO4 सॉल्यूशन में 3 मोल ऑफ क्या है भैया, Na है, दिख रहा है ना क्लियर। देखो तीन ही तो नाइट्रोजन है एक में, सोडियम कितने, तीन है एक, अगर देखते हैं हम सॉल्यूशन में, ठीक है यहाँ तक क्लियर है। तो अगर मैं देखूँ क्या, देखो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ एक में इतने मोल्स हैं, तो मेरे पास कितने वेट, इतना वेट दे रखा है ना, तो 1 मोल में इतने हैं, तो एक Na3PO4 सॉल्यूशन में इतने थे, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा सॉल्यूशन। इस इतने मोल्स हो जाएंगे कब, जब 1 मोल ऑफ Na होगा, क्योंकि मैंने 3 को इधर कर दिया, ठीक है 1 मोल ऑफ Na हो गया। यहाँ देख क्लियर है, मेरे पास वेट है 3.14, तो 3.45 ग्राम ऑफ Na में कितने मेरे पास ये मोल्स हो जाएंगे। अगर मैं देखूँ तो 1/3 मल्टीप्लाई में 3.45 अपॉन में कितने मोल्स देखने ना, तो मैं सीधे यहाँ मोल्स में डिवाइड कर दूँ 23 का, क्योंकि Na का कितना होता है 23 होता है। इतने मोल्स मेरे किसके हो जाएंगे, Na3, ये अपॉन में इसका भी मुझे 23 से करना होगा, ठीक है इतने मोल्स में इतने ये मोल्स हो जाएंगे इसके। हमें क्या निकालना है भाई, सीधी सीधी बात है, हमें निकालना है मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं, ये है ना 1/3 × 3.45/23 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये ml में, तो इंटू में 1000 यहाँ करना होगा। गई ये गई कैंसिल आउट हो गए, कितना बचा 3.45/3 × 23। क्लियर है, मुझे क्या लाना था, मुझे 10^-2 की फॉर्म में लाना है, तो मैं इधर 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 100 से डिवाइड, तो मतलब 10^-2 अलग हो गया। ये मेरे पास हो गया 3.45 अपॉन में 3 × 9 और 2 × 3 = 6 इंटू 10^-2 मोल पर लीटर। यहाँ तक क्लियर है, मैं इसको अब डिवाइड कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा एक मिनट देख लेते हैं। 6 × 5 = 30 और 9 से कितनी बार जाएगा, 9 × 5 = 45, 6 × 5 = 30, तो ये लगभग लगभग 5 times जा रहा है, जहाँ तक मुझे दिख रहा है तो ये 5 times जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसके आंसर हो गया कितना, एक बार कंफर्म कर लेते हैं, 69 × 5, 5 × 9 = 45 और 6 × 5 = 30, तो 3, 4, 5, एक जीरो थी तो एक जीरो यहाँ पे आ गई, तो इसका आंसर ये होगा, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया 50 × 10^-2 मोल पर लीटर। दैट्स द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप ये आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ आ गया होगा। कुछ नहीं था, आपको सिंपली क्या देखना था, भाई एक इसमें 1 मोल इसके जो सॉल्यूशन है उसमें कितने सोडियम प्रेजेंट हैं, बस ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, जो कि 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपके 4 नंबर आराम से आ जाते अगर ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होता। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय। इसका सॉल्यूशन मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में।